हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट समाचार। आज निफ्टी ने बहुत ही बड़ा धमाल कर दिया दोस्तों। एक्सपायरी थी, काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का सेशन। तो ये देखिए आज का जो हाल है, ओपन हुआ 397 पे, 403 का हाई लगाया, 194 का लो, और एंड हुआ 316 पे। इंडिया विक्स 14 के इंडिकेटर पर रुका है। और ये निफ्टी की मूवमेंट है, आज की निफ्टी की रेंज थी 209 की, लेकिन वेरी वेरी चॉपी मूव्स वर देयर। और निफ्टी ने ओपन बनाया था प्रीवियस क्लोज के ऊपर, पॉजिटिव ओपन थी, लेकिन बाद में क्या हुआ न जाने। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इतने लुढ़के के पूछो मत। ये आपको डेली चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट के चार्ट पे निफ्टी में क्या गुल खिला रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स थी आज 11 तारीख को। ये जो फर्स्ट हाफ था निफ्टी का 11 साढ़े 11 तक, उसमें बहुत ही बड़ा गिरावट आई थी। और उसके बाद ये कैंडल पे 12 बजे की कैंडल पे सबके 12 बजा दिए, इतनी डिप मारी निफ्टी ने। लेकिन उसके बाद उसने देखा ही नहीं, बस ऊपर चल गया। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो निफ्टी ने क्लोज थोड़ा सा कल के मुकाबले कम गिरावट है, 8 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का हाल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो गिरावट आई बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के पूछो मत। ये देखिए फिबोनाची, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बोला था, फिबोनाची लेवल जो है 20 मूविंग एवरेज को नीचे उसने लो बनाया 51,750 का, और 52,000 का सपोर्ट भी तोड़ डाला उसने। लेकिन गुड थिंग इज के 52,200 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 52,270। चलिए इसका भी आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसी इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट थी। लगभग ओपन इज इक्वल टू हाई जैसा हो गया है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज जैसा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 52,370 का ओपन, 400 का हाई, 51,749 का लो, और 52,271, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स के आसपास ओपन से थोड़ा कम क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी। काफी अच्छी मूवमेंट इसमें मिली आज बैंक निफ्टी में। भले एक्सपायरी कल थी, लेकिन धमाका आज भी हो गया। 54,357 या 54,400 का टारगेट अब ये शायद ले सकता है, यहाँ से RSI 60 के ऊपर चला गया। तो चलिए देखते हैं आज कौन से ऐसे स्टॉक है जो मूव हुए। लेकिन दोस्तों एक बात ये है कि आपको एक क्लिक पे 15 लाख की लोन मिल जाएगी, लेकिन कभी ऐसा करना नहीं, लोन लेके ट्रेडिंग मत करना, बाकी कुछ भी करो। चलिए आज के टॉप गेनर्स है हिंद पेट्रो 4.45%, आपके लिए थोड़ी फॉन्ट बड़ा भी देता हूँ। पॉलीकैब 4.1%, आप सन टीवी, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर आज के टॉप लूजर्स। इन्फो एज, नौकरी, वेदांता, एलएनटी टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 52 वीक हाई मारा है। इंजीनियर्स इंडिया ने, गुजरात पीपावाव, ऑयल इंडिया जी, शिपिंग, वेल्सपन लिविंग ने, और आज के जो टर्निंग बुलिश स्टॉक्स है वो ये है। लेकिन वेरी बुलिश ऑलरेडी जो है एज पर मनी कंट्रोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, हिटाची एनर्जी, ट्रेंट और मजगांव डॉक्स। वो आप ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे भी या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि कैसी इसकी चाल है आज के दिन। तो फिर आज के लिए बस इतना, कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी 52,000 का सपोर्ट बरकरार रखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और निफ्टी के लिए भी 24,200 का लेवल वेरी क्रूशियल है। 24,461 का हाई निफ्टी पे था, और बैंक निफ्टी के लिए 52,600 और 800 का रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा लग रहा है एज ऑफ नाउ। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल, और देखते हैं कहाँ पे एंड होगा निफ्टी इस हफ्ते के लिए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी मनी मेकिंग।